जी हाँ, नमस्ते प्रणाम दोस्तों। अभी से कुछ दिन पहले हम आप लोगों के बीच एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि धनंजय धरकन का अभी काठमांडू नेपाल में मूवी के शूटिंग चल रहा है, और उसी मूवी के दौरान एक और न्यू मूवी का साइन किया था, और उसी समय भोजपुरी फिल्म स्टार प्रदीप पांडे चिंटू के साथ उसी समय एक सेल्फी लिया गया था। तो उसी चीजों से बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, कहीं तो दूसरा मूवी का साइन किया था उसी समय, तो क्या फिल्म स्टार प्रदीप पांडे चिंटू के साथ कहीं दूसरा मूवी आने वाला तो नहीं है दोनों के एक साथ। तो दोस्तों इसी चीज़ को लेकर बहुत सारे भाई लोगों ने मुझसे यही सवाल पूछ रहे थे कि आखिर बात क्या है, जो धनंजय धरकन पोस्ट किए थे कि बहुत बड़ा बवाल होने वाला है और भोजपुरी फिल्म स्टार प्रदीप पांडे के साथ फोटो भी खिंचवाया गया था। तो आइए बात क्या है इस वीडियो में हम आप लोगों को बताते हैं कि आखिर क्या सच में फिल्म आने वाला है या फिर नहीं आने वाला है। तो दोस्तों उस समय धनंजय धरकन और भोजपुरी फिल्म स्टार प्रदीप पांडे के साथ एक सेल्फी लिया गया था, और धनंजय धरकन ने खुद आप लोगों के बीच पोस्ट किया था, जिस पोस्ट में लिखा था, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज नेपाल में चिंटू पांडे, धनंजय धरकन और अनिल कुशवाहा एक साथ मस्ती टाइम नेपाल काठमांडू, बड़ा धमाका होने वाला है 2022। दोस्तों जब से धनंजय धरकन ने ये बातें लिख दिया बड़ा धमाका होने वाला है, इससे और भी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सच में कहीं चिंटू पांडे के साथ कोई नया मूवी तो नहीं आने वाला है। तो दोस्तों आखिर बात क्या है वो पहले सुनिए आप लोग। दोस्तों प्रदीप पांडे चिंटू ने नेपाल गए थे किसी मंदिर में भगवान से दर्शन करने के लिए, तो उसी समय धनंजय धरकन का भी शूट चल रहा था, तो दोनों एक साथ हुए, तो धनंजय धरकन उसके साथ एक सेल्फी ले लिए थे। जबकि दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ पिक हम आप लोगों को फोटोज दिखा रहे हैं, चिंटू पांडे को आप लोग देख सकते हैं, ये फोटो मंदिर का बाहर का है, और इसके साथ साथ एक और फोटो आप लोग देख सकते हैं जो कि दोस्तों अपने प्राइवेट प्लेन से यहाँ से चले भी गए थे, जो कि दोस्तों सिर्फ घूमने के लिए आया था, लेकिन भविष्य में हो सकता है भोजपुरी फिल्म स्टार प्रदीप पांडे और धनंजय धरकन एक साथ जरूर होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जब लिख दिया है बहुत बड़ा धमाका होने वाला है 2022 में, तो हो सकता है आप लोगों के बीच बहुत ही जल्द धनंजय धरकन और प्रदीप पांडे चिंटू के साथ कोई फिल्म आ जाए। तो दोस्तों वैसे जो दूसरा फिल्म का साइन किया था धनंजय धरकन, वो एक्चुअल में प्रदीप पांडे के साथ नहीं था, वो किसी अलग फिल्म का है जिसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है जो हम आप लोगों तक जानकारी दे पाए, लेकिन जैसे ही उसके बारे में कोई अपडेट आता है तो हम आप लोगों के बीच एक और न्यू वीडियो जरूर बनाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों यही था एक अपडेट जो हम आप लोगों तक शेयर करना चाहते थे, हमें उम्मीद है आप लोगों को ये अपडेट सुनने में जरूर अच्छा लगा होगा, अगर आप लोगों को ये अपडेट सुनने में अच्छा लगा प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर दीजिए, इससे आप लोग हमारे कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों को किसी और मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।